नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। मैं हूँ पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले भी बात किया था इस संबंध में कि आर्थिक प्रक्रिया जो होती है देश की और लोगों की किस प्रकार की क्रियाएँ होती है वो हमने पूरा देखा था। और हमने इसको कुल जो अर्थव्यवस्था है इसे तीन हिस्सों में बांटा हुआ था और वो तीन हिस्से थे कृषि, उद्योग और सेवा। और आज हम देखेंगे कि जो कृषि का क्षेत्र है वहां पे किस प्रकार के हालात हैं, किस प्रकार की परेशानियां हैं और साथ ही साथ देखेंगे कि आज के समय में जो स्थितियां हैं वो किस प्रकार की हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम देखेंगे कृषि से सेक्टर के संबंध में। एग्रीकल्चर इन एलाइड जो है सेक्टर, जो एलाइड है जो माना जाता है, वो अलग क्षेत्र हैं जो कि कृषि से ही जुड़े हुए माने जाते हैं। उद्योग नहीं है, मशीनें नहीं है वहाँ पे, और वो कृषि के रूप में ही प्राथमिक स्तर पे काम आते हैं। जैसे पशुपालन है, मत्स्य पालन है और भी अन्य प्रकार के क्रियाकलाप हैं जो जैसे कि जंगलों में वनोपज बिनना, इस प्रकार के जो काम होते हैं वो सभी कृषि में आते हैं, कृषि एंड अलाइड में आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसको। तो जो 60 वर्ष हो गए हैं आज़ादी के बाद, उसके बाद आकलन किया जाता है कि कृषि के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, अर्थात जो लोगों का तरीका है काम करने का और साथ ही साथ उत्पादन लेने का वो किस प्रकार से हुआ है वो देखते हैं। कि जो उत्पादन है वो तो निश्चित तौर पर बढ़ा है, क्योंकि आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो गई है, बहुत सारे खाद बीज का हाइब्रिड तकनीक आ गया है, तो उन आधार पे उत्पादन तो बहुत बढ़ा है। लेकिन ये जो उत्पादन है वो इस हद तक नहीं बढ़ा है, साथ ही साथ बहुत सारे उद्योग जो है वो स्थापित हो गए हैं, लोग उद्योग की ओर जा रहे हैं। जो पहले जो जनता थी, बहुत बड़ी जनसंख्या जो थी लोगों की, वो कृषि कार्य करती थी, अर्थात उस समय पर ये माना जाता था कि देश की लगभग पूरी आबादी एक तरह से आप समझ सकते हैं कि कृषि कार्य में संलग्न थी जब देश आज़ाद हुआ था उस समय पे। और उसके बाद बहुत सारे लोग शिफ्ट हुए हैं उद्योगों की ओर, तो ये दर बहुत हद तक बदली है। लेकिन इसके बदलने के बावजूद भी जो उत्पाद है वो कम नहीं हुआ है, क्योंकि जमीन जैसे आप समझ सकते हैं ये कोई ज़मीन है, जैसे देश की ज़मीन है तो ये फिक्स होती है, हमने उसका तरीका बदल लिया है, जंगलों को काट कर खेत बनाए गए, धीरे धीरे खेत बढ़ते गए, जो समय के साथ साथ बहुत हद तक विस्तार हुआ और आज की स्थिति में 23% जंगल बचे हुए हैं देश में। और बाकी बहुत सारे स्थान जो बचे हुए स्थान हैं वहाँ पे कुछ कॉलोनियाँ हैं, गांव हैं और उसके अलावा खेत हैं, इस प्रकार से आप मान सकते हैं। तो जो बाकी का ज़मीन है वो कृषि के लिए उपयोग होता है और लगभग बहुत हद तक उपयोग में लाया जा चुका है। जो ज़मीनें हैं, बहुत कम ज़मीन जो बची हुई है वो की खेत नहीं बन पाई है, जहाँ पर खेती अन्य प्रकार के कार्य नहीं किए जाते, लेकिन अधिकतर जो क्षेत्र हैं वो खेत के रूप में बन चुके हैं। तो ये जो योगदान है, जो कृषि का उत्पादन है, वो रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है, बहुत सारे लोगों को इसमें रोजगार मिलता है। तो एक आंकड़ा जो निकाला गया था, जो 2009-10 में निकाला गया था, उसमें देखा गया था इस प्रकार से, आप देख सकते हैं कि ये कुल जो जनसंख्या है 100% जनसंख्या देश की जो है उसमें से लगभग 53% लोग कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं, कृषि और अलाइड कामों में संलग्न रहते हैं। और इनसे जो उत्पादन होता है उसमें जो कुल जीडीपी होता है, अर्थात हमने पहले भी देखा था जीडीपी जो होता है, जो टोटल प्रोडक्शन होता है, टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो होता है आपका, वो जीडीपी जिसे कहा जाता है, उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान जो है वो देख सकते हैं इस प्रकार से, ये लगभग 15%। बाकी योगदान जो है अन्य क्षेत्रों का है, उद्योग और सेवा क्षेत्र का। तो ये ऐसा नहीं है कि उत्पादन कम हुआ है, पहले जो कुल जो उत्पादन होता था उसका बहुत हिस्सा, अर्थात जब हमने उसको अलग किया तो ये जो क्षेत्र हैं ये आप देख सकते हैं 15% आ रहा है कृषि और बाकी आ रहा है उद्योग ये और सेवा क्षेत्र से, अर्थात 85% कृषि और सेवा क्षेत्र से। हमने इसे दो हिस्से में डिवाइड कर लिया, तो हम अभी देखेंगे कृषि जो है वो कितना उसमें समस्याएं हैं और कौन सी चुनौतियां हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो
क्योंकि हम देखते हैं कि 53% लोग इस काम में लगे हुए हैं, कृषि। लेकिन वहां पे कुल जो आय हो रही है, उत्पादन जो हो रहा है 15%, अर्थात 53% लोग मिलकर जीडीपी का 15% हिस्सा ही ला पा रहे हैं, और बाकी बचे हुए 47% लोगों के द्वारा कुल 85% आ रहा है। ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार से ये जो है उद्योग और सेवा क्षेत्र के लोगों का आकलन है, इस प्रकार से है कि किस प्रकार से ये अलग अलग होते हैं। तो इसमें जो है मुख्य तौर पे समस्या जो है, सबसे बड़ी समस्या आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 53% लोग कृषि में लगे हुए हैं, लेकिन इतने लोगों की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, क्योंकि खेत जो है वो फिक्स है। पहले भी लोग खेती करते थे, पुराने समय में भी खेती करते थे और आज भी खेती कर रहे हैं। खेत चूंकि एक तरह से फिक्स है, जनसंख्या बहुत बढ़ी है, तो अब ये हो गया है कि इस जनसंख्या के लोग, जितने लोग आते जा रहे हैं, वो कृषि में ही शामिल होते जा रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। घर के जो सदस्य होते हैं, घर में यदि कृषि होता है तो वो जाकर कृषि करने लगते हैं साथ में। लेकिन बहुत हद तक चूँकि टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है, खाद बीज अच्छे हो गए हैं, साथ ही साथ जो संसाधन है वो भी अच्छे हो गए हैं, पानी वानी की व्यवस्था बहुत हद तक लोगों को हो जाती है। बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर दिक्कत होती है, लेकिन अधिकतर स्थानों पर ये समस्याएँ नहीं होती। खेतों की मुख्य परेशानियां जो होती है वो होती है, अर्थात आवश्यकता जो होती है वो होती है खाद की, बीज की, पानी की, श्रम की। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसके साथ साथ जमीन जो है और धन। इसमें आप देख सकते हैं खाद की आवश्यकता तो उतनी ही होगी जितनी जरूरत है उस जमीन पर, बीज उतना ही लगेगा, पानी उतना ही लगेगा, जमीन उतना ही है, और धन जो लगेगा वो भी उतना ही लगेगा। बच गया मानव श्रम जो है, यहाँ आप देख सकते हैं श्रम की कितनी आवश्यकता है उस जगह पे। तो श्रम जो है यदि अनिवार्य नहीं है, अगर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, टेक्नोलॉजी से अर्थ है ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य चीजें, तो ये करके फिर ये जो जनसंख्या 53% जनसंख्या है वो पूरी नहीं लगेगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है फिर भी वो काम कर रहे हैं, और इसे कहा जाता है प्रचंड बेरोजगारी। अर्थात यहाँ जो काम कर रहे हैं वो चूंकि उनके पास कुछ काम नहीं है, इस कारण वो इसमें साथ में लगे रहते हैं। यदि उनको हटा के किसी दूसरे सेक्टर में, किसी उद्योग में या कहीं दुकान इत्यादि में काम दे दिया जाए तो वो वहाँ पे लग जाएंगे, लेकिन खेतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसके स्थान पर रिप्लेस हो जाएगा, ट्रैक्टर लग जाएगा, हल जोतने की आवश्यकता नहीं है। जितना ज़मीन में हल से बोया जाएगा उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ ट्रैक्टर का उपयोग करके बोया जा सकता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई है, प्रचंड बेरोजगारी कहा जाता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, जो कि ये अनएम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता नहीं है। तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी क्षेत्र में यदि अधिक से अधिक लोग हैं, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे 15% उत्पादन हो रहा है लेकिन 53% लोग इस पर निर्भर हैं, यदि इसे कम कर दिया जाए तो यहाँ पे भी लोगों में संपन्नता आ जाएगी और अधिक से अधिक लोग और अच्छा जीवन जी पाएंगे, ये निश्चित तौर पे समझा जा सकता है। तो अर्थव्यवस्था में ज़रूरत से अधिक लोग काम कर रहे हैं, जो कि कृषि का क्षेत्र जो है लोगों का बहुत हद तक समझ सकते हैं कि जो फैमिली बिजनेस होता है या कि घर में जो काम होते हैं एक तरह से वैसा है। अधिकतर लोगों के घर में खेत है तो वो उसमें काम में लगे रहते हैं और अन्य काम की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो ये जो परिवार है, तो यदि ये इसमें से अधिकतर लोग इस तरफ चले जाएंगे जो दूसरे काम है, तो जो पारिवारिक आय है, कुल पारिवारिक आय वह बढ़ जाएगी। इसे आप एक तरह से और समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी घर में 10 लोग हैं, 10 लोग रहते हैं और उनके पास 30 एकड़ खेती है और सारे लोग इस पर ही निर्भर होते हैं। तो यदि हम यहाँ पे
तो जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक परिवार में 10 लोग हैं और उनमें 30 एकड़ खेत है उनके पास में, तो अब वो पूरा का पूरा परिवार उसी पे डिपेंड रहता है। और क्या होता है, जैसे समय के साथ साथ हम यहाँ पे देखते हैं कुल 10 लोग हैं, फिर वो परिवार धीरे से बड़ा हो जाता है, कुछ भाई जैसे मान लीजिए बढ़ गए, वो परिवार हो गया लगभग 15 लोगों का। अब क्योंकि जमीन तो बढ़ेगी नहीं, जमीन तो इतनी ही है, 30 एकड़ ही है, और इन्होंने साथ में घर में ट्रैक्टर हार्वेस्टर और बहुत सारी चीजें भी ले ली हैं साथ में। तो यहां आप देख सकते हैं कि पहले जो व्यवस्था थी, लोग हाथ से खेती करते थे, पारंपरिक खेती होती थी, और अब जो खेती हो रही है वो इस प्रकार से हो रही है, जहां पे न सिर्फ 15 लोग हैं बल्कि साधन भी बढ़ गए हैं घर के, ट्रैक्टर आ गया हार्वेस्टर आ गया, तो काम कम हो गया आदमी बढ़ गए। अब क्या हुआ इसमें, मान लीजिए ये यहीं पे खेती करते हैं और जो कुल आय होती है, मान लीजिए कुल आय, मान लीजिए टोटल आय जो मिलती है उनको इस 30 एकड़ में खेत करने से एक्स है, तो यदि हम प्रति व्यक्ति इसे माने तो कितना होगा, एक्स बटा 15 हर किसी की आय ये होगी। लेकिन यदि मान लीजिए यहां पर कुल जो लोग हैं उसमें से 5 लोग कहीं और नौकरी करने लगते हैं, या तो दुकान खोल लिए, या कहीं फैक्ट्री में चले गए, या कहीं सर्विस में चले गए, तो अब बचे हुए लोग हैं जो 10 लोग खेती कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ से चले गए दूसरे कामों में, 10 लोग फिर भी खेतों में खेती कर रहे हैं, क्योंकि उत्पादन होगा और एक्स तो उन्हें मिलेगा। अब क्या होगा, जो कुल आय होगी, तो इन 5ों को अलग अलग कार्यों से जो आय मिलेगी, अर्थात मान लीजिए इनको मिलती है वाई आय, टोटल इनकी आय हो गई वाई, तो अब प्रति व्यक्ति औसत यदि माना जाए तो जो आय होगी परिवार की वो होगी एक्स प्लस वाई बट्टा 15, अर्थात औसत आय इनकी बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए पहले ये खेतों से इनकी कमाई हो जाती थी 10 लाख, यह समझिए ज्यादा अच्छा समझने के लिए, मान लीजिए इनको 15 लाख मिल जाता था, चूंकि ये मैंने सिर्फ अनुमानित तो बताई है, पंद्रह लाख मान लीजिए उनको 30 एकड़ से मिलती थी, तो पर व्यक्ति जो उनकी सालाना आय थी वो समझ लीजिए 1 लाख, ये अनुमानित है कि 1 लाख उनको मिलता रहा होगा। लेकिन यदि 5 लोग सर्विस में चले गए और उनको सालाना आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए उनको 5 लाख भी मिलता है, 1 लाख उनको सालाना मिलता है, तो ये हो जाएगा टोटल आय जो है परिवार का हो जाएगा 20 बटा 15, 20 लाख बटा 15। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पे अंतर आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर 5 लोगों को प्रचंड बेरोजगारी थी, जो हमने पहले बताया था प्रचंड बेरोजगारी, अप्रत्यक्ष बेरोजगारी जिसे कह सकते हैं, और इसके कारण परिवार की कुल आमदनी जो थी वो कम हो जाती थी, लेकिन अब ये आमदनी बढ़ जाएगी, और इस प्रकार से लोग कुछ तो शिफ्ट हो जाएंगे रोजगार धंधों में या कि अन्य प्रकार के निर्माण कार्यों में, और यही फर्क दिखाई देता है यहाँ पर। जैसे आप देखेंगे कि कुल जो आय है, कुल जीडीपी का 15% यहां देख सकते हैं, 15% जो है वो आय तो बढ़ रही है, जो जीडीपी है कुल जीडीपी तो बढ़ रहा है देश का, लेकिन जीडीपी जो है कृषि क्षेत्र का वो कम हो रहा है। कम इसलिए नहीं हो रहा है कि कुल जो उत्पादन है या कीमत जो है वो कम नहीं हो रही है, लेकिन अगर कंपेयर करते हैं तीनों क्षेत्रों को मिलाकर, कृषि उद्योग और सेवा, तो कृषि क्षेत्र का योगदान जो है बढ़ा है, लेकिन प्रतिशत के मामले में अर्थात कुल भाग जो है वो इनके मुकाबले में कम हो जाता है। उद्योग बढ़ गए, पंचवर्षीय योजनाएं बनी, बहुत सारे सेवा क्षेत्र हुए, तो इस प्रकार से जो कुल मिलाकर जो आय है वो बढ़ गई, जीडीपी बढ़ गई, लेकिन कृषि क्षेत्र की जीडीपी जो है प्रतिशत के मुकाबले में कम हो गई। कुल उत्पादन जैसे पहले जो कुल उत्पादन होता था वो भी उससे भी ज़्यादा हो रहा है, उससे भी ज़्यादा कीमत मिल रही है, लेकिन अगर कंपेयर करते हैं तो कृषि क्षेत्र की इसीलिए घट गई, और कृषि क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसके कारण से ये आय
जो है और बढ़ सकती है, जिसे ध्यान देने की जरूरत है। तो मुख्य चुनौतियां जो है कृषि क्षेत्र की, वो इस प्रकार से हैं कि जो कुल आबादी जो है बहुत हद तक मानसून पर निर्भर होता है। पहला जो कारण है मानसून पर निर्भरता, जो कृषि क्षेत्र है उसकी चुनौतियां जो है। ये है पहला, मानसून पर निर्भरता। और ये क्यों होता है? क्योंकि जब देश आजाद हुआ था उस समय पे बहुत सारे साधन नहीं थे, नलकूप लगभग नहीं के बराबर थे। धीरे धीरे बांध बढ़े, नहरें बढ़ी और इसके कारण से बहुत हद तक जो चीज़ें हैं वो सॉल्व हो गई। लेकिन आज भी बहुत बड़ी आबादी जो है वो मानसून पर निर्भर है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारी धरती है उसके नीचे भी पानी का एक फिक्स स्रोत है और लोगों को वहाँ पे बोरवेल इत्यादि करके पानी को निकालना पड़ता है। जो लेवल है पानी का वो नीचे है बहुत हद तक। आप जानते हैं बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पे मानसून की बारिश नहीं होती, राजस्थान जैसे एरिया है जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, और इन कारणों से बहुत हद तक लोगों को मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि मानसून आता है या अलनिनो लानिनो ये सब होते हैं, ये कुछ इफेक्ट होते हैं जो हमने पहले देखे थे। आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं पुराने, उसमें विस्तृत हमने इस पे चर्चा की है कि किस प्रकार से होता है। तो मानसून जो है कम या ज़्यादा हो जाता है, आगे पीछे आता है बहुत सारे कारणों से, और इसके कारण लोगों को अपना फसल चक्र करने में, और साथ ही यदि वो कृषि के लिए अपना सिंचाई का साधन की व्यवस्था करके खेती कर भी रहे हैं और उस बीच में बारिश जो मानसून आ गई या पीछे हो गई, तो उसके कारण बहुत फर्क पड़ता है। जो बोई गई खेत है उस पर भी बहुत असर होता है। तो इसे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि इन कारणों से बहुत हद तक प्रभावित होता है। और जो सामान्य वर्षा होती है तो सामान्य वर्षा में बहुत हद तक लाभदायक हो जाती है, और समय पर मिलना, सामान्य या समय पर मिलना, सामान्य भी हो और समय पर ना भी दे, समय पर वर्षा, ये बहुत उपयोगी है। समय पर यदि सामान्य नहीं हुई, समय पे नहीं हुई, तो कोई फायदे का नहीं है, आगे पीछे होने से बहुत नुकसान हो जाता है। साथ ही साथ इसके कारण यदि समय पे नहीं होता, आगे पीछे होता है, तो कीटों का प्रकोप होता है, कभी कभी ओला गिर जाता है, और इन कारणों से बहुत हद तक मुश्किल हो जाता है किसानों को। लागत जो बीज वो बोए रहते हैं, यदि उस समय जब उन्होंने बीज बोया है उस समय पे बारिश नहीं हुई या बारिश देर से आई, बहुत ज़्यादा देर से, तो बीज भी खराब हो जाते हैं। साथ ही साथ यदि पहले आ गई बारिश तो वो बीजों का छिड़काव करने में भी दिक्कत हो जाती है, इस प्रकार से परेशानी होती। तो अलग अलग तरह से खेती करने के तरीके बनाए गए हैं, साथ ही साथ हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि कम समय में फसल अच्छे से हो सके। इन चीज़ों को ध्यान दिया जा सकता है। तो ये जो फसल मौसम का पूर्वानुमान जो है बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ फसलों को पुनर्चक्रण या समय यदि चला गया तो अलग प्रकार की फसल को बोकर लाभ दिया जा सकता है। लेकिन बहुत हद तक मानसून पर निर्भरता के कारण बहुत परेशानियां होती है। साथ ही साथ एक और बड़ी बात है कि लोग जैसे बोरवेल करते हैं, जैसे जमीन का स्रोत है, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ तक पानी है, तो अब किसी ने ये सोचा कि वो वहाँ पर बोरवेल करके पानी ले लेंगे। तो उन्होंने, मान लीजिए किसान ए है, उन्होंने एक बोरवेल लगवाया यहाँ पे और वो खेती करने लगे। अब उसके आसपास के जो दूसरे लोग हैं उन्होंने अपना लेवल यहाँ तक रखा, चूंकि पानी का लेवल यहाँ तक है तो थोड़ा सा नीचे वो उठ देंगे इसमें। उनके आस पड़ोस में जो लोग हैं उन्होंने भी बोरवेल किया, बोरवेल वो करते गए करते गए, बहुत सारे बोरवेल हो गए, बी ने भी बोरवेल कर लिया, सी ने भी बोरवेल कर लिया, इस प्रकार से बोरवेल लगातार होते गया। अब क्या होता है, पानी की भी एक क्षमता है, चूंकि पानी जमीन के अंदर नहीं जा रहा है, बहुत हद तक पानी निकाला जा रहा है, बहुत कम पानी है जो जमीन के अंदर जाता है, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, पानी का लेवल यहाँ तक आ गया और ये लेवल हट गया, यहाँ से पानी नीचे चला गया। क्या आप समझ सकते हैं किस प्रकार से होता है? यदि हम किसी टंकी से भी पानी निकालेंगे, किसी बाल्टी से भी पानी लगातार निकालेंगे तो वो कम हो जाएगा, अब लेवल हो गए यहाँ। अब क्या होता है, जैसे जो समर्थ किसान है, मान लीजिए बी समर्थ किसान है, उसने अपना बोरवेल और गहरा कर लिया, वो नीचे तक चले गए, लेकिन किसान ए जो है उसकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, तो या तो उन्हें कर्ज लेकर बोरवेल गहरा करना पड़ेगा, या तो वो सहायकारी समिति से लेंगे, या कि किसी प्राइवेट जो
लोन इत्यादि देने वाले लोग हैं, कर्ज देने वाले लोग हैं, उनसे वो कर्ज लेंगे और फिर उसे बोरवेल कराएंगे, और यदि नहीं कराते तो उनका फसल तो नुकसान हो गया, अगर उनको बारिश के समय ही फिर मानसून देखना पड़ेगा। इस प्रकार की स्थितियां आती है, कुछ लोग बोरवेल को गहरा करा पाते हैं, कुछ लोग नहीं करा पाते, और ये जो परेशानी है ये लगातार बनी रहती है इसी प्रकार से। तो ये है जो जल है उसके लिए कुछ प्रयास ये भी किए जा रहे हैं कि जल भराव हो, गहरे कुएँ खोदे जाएँ, वाटर हार्वेस्टिंग की जाए, और भी बहुत प्रकार की चीज़ें हैं जो कि तकनीकों को प्रयोग किया जा रहा है, और मानसून पर निर्भरता को हटाने का प्रयास किया जा रहा है कि मानसून आगे पीछे आ जाए तो भी उसका बहुत ज़्यादा असर ना पड़े। पूरी तरह से निर्भरता तो नहीं हटाई जा सकती, क्योंकि बारिश होगा तो ही लोगों को खेत का प्रयोग करना है, और उसी के कारण ही बहुत हद तक इस चीज़ का निर्धारण होगा कि किस प्रकार से उनकी खेती उनको मिल सकती है। तो गहरे जो भू स्तर जो गिर रहा है उसके लिए बहुत सारे चिंतन भी हो रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग इन सुझावों को अपनाएं, साथ ही साथ नए नए तकनीकों को अपनाएं और कम जल वाले किस्मों को भी अपनाने लगें, जिससे कि खेती में कम पानी की आवश्यकता पड़े, कम से कम पानी के साथ लोग अपना कार्य कर सकें। इसके साथ साथ यदि तो कृषि में क्षेत्र में कार्यरत हैं वो अपने साधन इस प्रकार से कर लें कि वो न सिर्फ कृषि करें बल्कि अन्य चीज़ों के लिए भी ध्यान दें, पशुपालन और अन्य चीज़ों की तरफ, तो अधिक से अधिक वो लाभ उठा सकते हैं। और प्रचंड बेरोजगारी भी अगर इसमें से दूर हो जाए, या इस प्रकार के काम जो प्रचंड बेरोजगारी दूर करने का, इस प्रकार के काम जो कि जल भराव को सुनिश्चित करें उसमें लग जाएं, तो भी बहुत हद तक किया जा सकता है। जैसे हमने देखा था 15 लोगों का परिवार था, तो इसमें से अगर 5 लोग जल की संरक्षण के लिए कार्य करने लग जाएं, या 1 या 2 लोग भी करने लग जाएं, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से और उत्पादन बढ़ाने में भागीदार हो सकते हैं। चूँकि अधिक बारिश या कम बारिश से बहुत नुकसान होता है फसलों का, तो यदि ये लोग प्रचंड बेरोजगारी में न रहकर उसमें भी लग जाएं तो बहुत हद तक लाभ हो सकता है। इसके अलावा एक और कारण है, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाए रखना, ये और चुनौती है। भूमि की उर्वरा शक्ति क्या होती है? जमीन जो है उसमें विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं, उर्वरा शक्ति को बचाए रखना, आप और हम जानते हैं कि उर्वरा शक्ति जो है वो एक लिमिटेड कैपेसिटी तक होती है। एक सीमा के बाद किसी भी जगह की जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो खत्म हो जाती है। हम वहां पे बार बार प्रोडक्शन लेंगे लेकिन वहां पे हम कुछ चीज़ें नहीं डाल रहे हैं, तो अब हम क्या करते हैं, उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए खादों का प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के खाद जो हैं, कीटनाशक का भी प्रयोग करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, ज़मीन एक तरह से विषाक्त हो जाती है और वहाँ पे केमिकल्स बहुत बढ़ जाते हैं। जो उर्वरा शक्ति होती है उसके कारण अधिक से अधिक पैदावार होती है, और साथ ही साथ हम खाद बीज का प्रयोग करते हैं तो उससे भी पैदावार बढ़ता है, लेकिन वो क्षमता को ह्रास करता है एक हद तक। एक विशेष प्रकार के रसायनों की उसमें मात्रा जमीन में बढ़ जाती है जो कि बहुत खतरनाक होती है, और इसके कारण बहुत सारे जीव जंतु हैं जो कि प्रकृति से जुड़े हुए हैं उनका भी नाश हो जाता है। तो उर्वरा शक्ति को बढ़ाए रखने के कारण के लिए, जैसे मान लीजिए किसी जगह हमने किसी खेत में बहुत ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग किया, तो वहाँ पे रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीव जो भी ये मर जाते हैं, और जो कि फसल चक्रण और ज़मीन की उपजाऊ बनाए रखने में बहुत सहायक होते हैं। केंचुए को आप जानते हैं कि वो भूमि को पलट देते हैं, तो इस प्रकार से ये जो है, इसमें आपने किस्सा भी पढ़ा होगा आपकी पुस्तक में कि एक किसान के बारे में दिया गया है जिन्होंने देखा था कि जो केंचुए इत्यादि हैं एक जगह कीटनाशक उन्होंने गड्ढे में भर दिए थे, तो जब वो देखे वहाँ पर कि वहाँ पर वो कीटनाशक के कारण वो केंचुए वहाँ पर मर कर तैर रहे थे। और इसी प्रकार की स्थिति वास्तव में होती है, जैसे आप देखेंगे कि आपने नमक भी डाल दिया तो केंचुआ मर जाता है। इस प्रकार से चूंकि उनके शरीर पे बहुत गहरा गलत असर होता है और जो विविधता है, जैव विविधता, वो भी खत्म होती है, इसलिए एक हद तक जैविक खेती जो है वो इसका एक उपाय हो सकता है। जैविक खेती का प्रयोग करने से न सिर्फ उत्पादन बढ़ता है बल्कि साथ ही साथ जो ज़मीन का जो उर्वरता है वो भी कम नहीं होता, तो जैविक खेती की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो ये एक और चुनौती है। इसके अलावा जो मुख्य चुनौती और एक है वो है
क्योंकि हम जमीन से जुड़ी हुई चुनौतियों के बारे में देख रहे हैं। तो यह है भूमि का असमान वितरण। हम जानते हैं कि जमीन की एक सीमा है, जमीन बढ़ नहीं सकती, जितनी है उतनी रहेगी। लोग बढ़ते जाते हैं, जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ती है, और इस जनसंख्या बढ़ने के कारण जो भूमि है वो लोगों के बीच बढ़ती है, परिवारों के बीच बढ़ती है, और धीरे 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 कम हो जाती है। जो बड़े किसान होते हैं धीरे धीरे वो छोटे मझोले किसान बन जाते हैं, और कुछ के पास इतना ज़्यादा जमीन कम हो जाता है कि वो मजदूर बन जाते हैं, भूमिहीन किसान बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जब स्थिति आती है तो आश्रित परिवार जो है जमीन पर जो हैं, तो ये वितरण एक तरह से समान नहीं है। लोगों के पास अलग अलग मात्रा में जमीन है, और एक बहुत बड़ा कारण है ये कि जिसके कारण लोग यदि खेत में ही काम करना चाहें तो इतनी उपज नहीं हो पाती कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। उन्हें अन्य साधन देखने पड़ते हैं, या कृषि छोड़कर कि जमीन को बेचकर उन्हें कोई और व्यापार या किसी जगह नौकरी करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है लोगों को खेती से विमुख होने का। जो छोटे या किसान होते हैं या मजदूर इत्यादि लेवल के लोग होते हैं, उन्हें खेती से इतनी पर्याप्त आय नहीं मिल पाती है कि वो अपना जीवन सही तरीके से जी सकें। इसके कारण लोग अधिक से अधिक अन्य साधनों का प्रयोग करते हैं, खाद इत्यादि का प्रयोग करते हैं, और अधिक से अधिक कोशिश करते हैं कि पैदावार किसी भी प्रकार से बढ़ जाए। लेकिन यदि मानसून ठीक नहीं हुआ और अन्य प्रकार के कारण हुए तो उन्हें उनका नुकसान हो जाता है। और इसके अलावा जो एक और परेशानी है, विपणन की व्यवस्था जो होती है, जो किसान हैं उन्हें सही तरीके से जमीन जो है क्योंकि उत्पादन के बाद एक महत्वपूर्ण काम होता है उत्पाद को बेचना। अर्थात यदि लोगों ने अपना उत्पादन तो कर लिया, उन्होंने धान गेहूं ज्वार बाजरा उत्पादन तो कर लिया, लेकिन अब उसे वो बेचेंगे कहाँ? तो उसे बेचने के लिए उन्हें दलाल या कोचियों के पास जाना पड़ता है, दुकानदारों के पास जाना पड़ता है, या कि बहुत सारे स्थानों पर सरकार की ओर से व्यवस्था की जाती है कि वो सरकारी खरीदी करते हैं प्याज का, गेहूँ का, धान का, और भी अन्य प्रकार की चीज़ों का, जिससे उन्हें लाभ हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या भी हो जाती है कि जो किसान जिन्होंने अपना उत्पादन कर लिया उन्हें विपणन के लिए यदि उन्हें सही तरीके का स्थान नहीं मिल पाता तो उन्हें कम कीमत पर उन्हें बेचना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी विपणन की व्यवस्था यदि सही नहीं है तो उन्हें इसका लाभ नहीं हो पाता। साथ ही साथ मंडियों इत्यादि में खुले बाजार में रखना बहुत तकलीफदायक होता है, उन्हें बेचने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, और यदि उन्हें खुले स्थान पर रखा जाएगा तो निश्चित तौर पर वो खराब हो जाते हैं। तो उन्हें न सिर्फ जगह की आवश्यकता होती है रखने के लिए, बल्कि साथ ही साथ बेचने के लिए बाजार की भी आवश्यकता होती है। तो बहुत हद तक न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकारों के द्वारा जारी किया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का नाम आपने सुना होगा, ये क्या होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, अर्थात इस कीमत पर सरकार के द्वारा खरीदी किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह है जिस पर जो सरकार है, राज्य सरकार केंद्र सरकार की ओर से खरीदी की जाती है, और ये निर्धारित किया जाता है कि इससे कम कीमत पर चीज़ें नहीं बेची जाएंगी। और इसी के कारण फिर किसानों को ये अवसर मिलता है कि वो अपने चीज़ों का सही कीमत पा सके। तो एक न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा एक और परेशानी है, साख की आवश्यकता या ऋण की आवश्यकता। क्योंकि जो कृषि है वो पूरी तरह से अलग अलग किसानों के द्वारा की जाती है, अलग अलग प्रकार के परिवेश में रहने वाले किसानों के द्वारा की जाती है, तो उन्हें साख की आवश्यकता पड़ती है, ऋण की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें बीज खरीदना है, खाद खरीदना है, और भी कृषि के यंत्र सामान खरीदने, सिंचाई के लिए उन्हें मशीनों की ज़रूरत है, तो उन्हें साख की आवश्यकता होती है। तो ये दो प्रकार से होता है, एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है जिनसे उन्हें मिल सकता है, दूसरा जो प्राइवेट गैर संस्थागत लोग होते हैं अर्थात प्राइवेट लोग होते हैं उनकी ओर से भी ऋण मिलता है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है, जो संस्थागत तरीकों से कोऑपरेटिव सोसाइटियों इत्यादि के द्वारा जो उन्हें
ऋण मिलता है उसमें बहुत सारे नियम होते हैं, साथ ही साथ उन्हें एक निश्चित समय अवधि दी जाती है जिस समय पे उन्हें चुकाना होता है, या जब वो धान को बेचते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा जब वो धान को बेचते हैं तो ऋण के रूप में जो वो धन लेते हैं उसे धान के रूप में लिया जाता है, खरीदी की जाती है तो सीधे सीधे उसे ऋण के रूप में काटा जाता है, तो ये उनके लिए बहुत लाभदायक हो जाता है। लेकिन इसके लिए उन्हें कागज़ पत्रों की आवश्यकता होती है और कुछ नियम कानून होते हैं जिसका पालन करना पड़ता है। जमानत की भी शर्त होती है जिसके कारण जो किसान हैं वो इसे नहीं कर पाते पूरा, तो उन्हें प्राइवेट लोगों से ऋण लेना पड़ता है। और प्राइवेट लोगों से ऋण लेने पर एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनको बहुत हद तक ब्याज ज़्यादा देना पड़ता है, साथ ही साथ कई शर्तें भी होती हैं जिसको उन्हें मानना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो कृषक हैं वो बहुत हद तक इन माध्यमों से, संस्थागत तरीकों से जब वो लेते हैं ऋण, तो लगभग 61% लोग सहकारी सोसाइटियों से ऋण ले पाते हैं विभिन्न कारणों से, और बाकी जो लगभग 30% लोग हैं, 30 से भी ज़्यादा थोड़े समझिए 35-36% लोग जो हैं ये गैर संस्थागत ऋण लेते हैं। जो यहाँ से ऋण लेने वाले हैं ये 61% सोसाइटियों से लेते हैं, प्लस सहकारी स्रोतों से और लेने वाले 3%, तो कुल 63% लोग जो हैं 64% ये सरकारी माध्यमों से ले पाते हैं। लेकिन 36% ऐसे किसान हैं जो कि ऋण लेने के लिए प्राइवेट लोगों पर निर्भर करते हैं, और इसी के कारण उन्हें बहुत ब्याज देना पड़ता है और बहुत सारे शर्तों का भी पालन करना पड़ता है, जिससे यदि फसल का नुकसान हो गया तो उसके लिए कोई क्षतिपूर्ति की व्यवस्था भी नहीं होती, और इसी कारण से लोगों को परेशानी हो जाती है ऋण लेने में। और इसके अलावा जो लोग हैं कुछ हद तक कुछ लोग जो है गैर कृषि कार्यों में भी चले जाते हैं। गैर कृषि कार्य क्या होते हैं, अर्थात वो किसान तो हैं, कृषि क्षेत्र के तो हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, पशुपालन हुआ आपका, मत्स्य पालन हुआ, इसके अलावा कई चीज़ें और भी है जो खेती से जुड़ी हुई है, जैसे ट्रैक्टर चलाना हुआ, साथ ही साथ हार्वेस्टर चलाना हुआ, और इस प्रकार की सुविधाएं जो हैं खेतों से जुड़ी हुई, अलाइड बोलना चाहिए, कृषि और अलाइड, अर्थात जैसे मान लीजिए आप अलाइड से संबंध सकते थे, जैसे पशु उन्होंने पाला तो जो पैरा इत्यादि निकलता है उससे उनका भोजन बन जाता है, और वो एक तरह से एक कड़ी के रूप में काम करते हैं पूरी व्यवस्था के बीच में। तो ये गैर कृषि कार्य होते हैं। तो बहुत सारे दूध पालन करने वाले, मत्स्य पालन, वनोपज करने वाले लोग हैं। तो ये जो छोटे किसान होते हैं या कि जो कि एक तरह से भूमिहीन होते हैं, वो भी इन चीज़ों में लगते हैं और बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक वो अपना जीवन चला सकें, और इन कारणों से बहुत हद तक अब प्रयास भी होना चाहिए कि इन लोगों को अधिक से अधिक रास्ते इस प्रकार से मिले कि प्रचंड बेरोजगारी दूर हो सके, साथ ही साथ गैर कृषि कार्य है उसे भी अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ये है साथियों जो कि हमने देखा भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो है, कृषि क्षेत्र को हमने देखा, और अब आगे देखेंगे जो कि सेवा क्षेत्र है और उसके अलावा उद्योग क्षेत्र, तो ये हम बाद में देखेंगे अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही साथियों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को अवश्य क्लिक करिए, जिससे आप हमसे जुड़ जाएंगे और हम आपको इसी प्रकार आपसे जुड़ी हुई काम की बातें लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।